Hello everyone. In previous video, we have already discussed about the simple basic of conformal mapping. And there are a main four elementary transformation main: translation, rotation, magnification and inversion. Now out of four, inversion is most IMP. So this topic, मतलब inversion transformation, is also discussed in a previous video, getting, and also we have seen one or two example. Now today I'm going to give a basic idea about the bilinear transformation. Okay. Bilinear transformation, that is also known as a Mobius transformation. And this topic is most IMP, getting, from the exam point of view. So अब जी टी यू के क्वेश्चन पेपर देखो तब भी आपको एक आध क्वेश्चन तो इसका होगा ही, और मोस्टली जो है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो एग्जाम्पल है वो 4 मार्क्स में आता है. तो अब बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये 4 है, तो इनका कॉम्बिनेशन बन के ही नया ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं. बराबर, इसको मिक्स कर दे हम तो नया ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा. तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये जो पहले तीन हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, ये सभी को आप ऐड करोगे, उसका कॉम्बिनेशन लोगे, तो आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? लीनियर मिलेगा. ओके, और ये चारों का, ये जो चारों है इंक्लूडिंग इन्वर्जन, चारों का आप एडिशन करोगे तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम? बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो आज हम बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उनके बारे में हम बात करेंगे और एग्जांपल भी देखेंगे, और जीटीयू एज वेल एज मिड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये टॉपिक जो है इन्वर्जन वाला हमने प्रीवियस वीडियो में देखा वो, और ये बायलिनियर एंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों IMP है. ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, उनको बोलते हैं बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है, और एक नाम है फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है. यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी उनको बोला जाता है, याद रखना बोल. ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशन सिंपल सी ही है, आपको याद क्या रखना है वो मैं आपको बताता हूँ. द ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको याद रखना है. ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्जन में क्या आया था? 1W = 1/J. सो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है? देखो W = AZ + B / CZ + D, वर ABCD या देखो यहाँ पे वर्ड देखो कॉम्प्लेक्स और रियल कांस्टेंट. ओके, सो रियल कांस्टेंट भी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, हियरिंग, सच डेट AD - BC इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब उसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 2/2 का, तो क्या होता है ये AD - BC वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, गेटिंग. सो आपको याद क्या रखना है? एक चीज़ ये याद रखनी है और ये कंडीशन, ये नॉट इक्वल टू 0 ही क्यों होना चाहिए? तो यहाँ पे ये नॉट में आपको बताया गया है. तो देखो ये जो W है उनका हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड. तो क्या लिखेंगे? dW/dZ लिखेंगे. अब यहाँ पे ये U/V वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या होता है? V² / U² - U² - V². सो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है. देखो ये v है तो उसका स्क्वायर उनको एज इट इज़ रखा, इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड? ए माइनस, अब AZ + B को एज इट इज़ रखा, ये v का डेरिवेटिव क्या होगा? सी, तो वो यहाँ पे लिखा है. अब ब्रैकेट को आप ओपन करो, कुछ कैंसल आउट होता था कैंसल आउट करो, बाकी रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी? AD - BC. सो ये जो न्यूमरेटर है वो देखो क्या हो गया आपका? AD - BC. अब न्यूमरेटर AD - BC = जो हम जीरो ले लें
तो ये जो है आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, किसका, डी डब्ल्यू बाई डी जेड का। अब ये क्या है, हम लिखते हैं ना डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, सो उसका डेरिवेटिव मतलब हम क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ जेड लिखेंगे। सो दोनों सेम है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड एंड एफ डैश ऑफ जेड, गेटिंग, सिर्फ बताना जो रिप्रेजेंट किया है वो थोड़ा अलग तरीके से, क्या दोनों सेम ही है। तो एफ डैश जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ पे जीरो आ गई। ओके, यहाँ पे हम जब, कब जीरो आती है, जब यहाँ पे ए डी माइनस बी सी इक्वल टू जीरो रखते हैं तब। अब जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कि जो बाईलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, या तो हम बोल रहे हैं कि कन्फॉर्मल मैपिंग, उनके लिए क्या ज़रूरी है, ये जो है एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जेड, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब जाके उसका कन्फॉर्मल मैपिंग जो है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें मिलेगा। ओके, एक तो एनालिटिक होना चाहिए फंक्शन, एंड दूसरा क्या होना चाहिए, ये जो है एफ डैश ऑफ जेड डेरिवेटिव वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इक्वल टू जीरो होगा तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग मिलेगी ही नहीं, दैट्स वाई यहाँ पे ए डी माइनस बी सी को क्या लेते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं। गेटिंग, आपको मैं दूसरा एक लॉजिक बताता हूँ। आप यहाँ पे अब डेरिवेटिव नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ ये कंडीशन करेंगे, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू जीरो लेंगे और उसको थोड़ा रीअरेंज कर देंगे। ए डी इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं, ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी लिख सकते हैं, और ये दोनों को हम कोई भी कांस्टेंट ले लें के, और बाद में यहाँ पे वैल्यू रखें, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के, एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के। अब ए एंड डी की जगह पे वो हमें रखना है, ए एंड बी की जगह पे क्या रखना है, सी के प्लस डी के, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखना है वैल्यू ए एंड बी की, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के जेड। ओके, बी इक्वल टू डी के जेड। तो आंसर हमारा एक्चुअली क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, डब्ल्यू इक्वल टू, ये दूसरा लॉजिक है, सी के जेड प्लस डी के, ए एंड बी की वैल्यू रखी, डिनोमीटर में सी जेड प्लस डी तो है ही, अब डिनोमीटर न्यूमरेटर में क्या होगा, कुछ कॉमन निकलता है तो क्या कॉमन निकलता है, ए के निकलता है, तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, सी जेड प्लस डी रहेगी, और डिनोमीटर में भी क्या है, सी जेड प्लस डी ही है, देखो ये कॉन्स्ट कैंसिल हो गया था, बाकी क्या रहा, के। सो डब्ल्यू का आंसर क्या आ जाएगा, के, मतलब के क्या है, कॉन्स्टेंट है, उसकी फिक्स वैल्यू है। सो आप मैपिंग करोगे तो जेड की कोई भी वैल्यू आप लोगे, जेड की कोई भी पॉइंट लोगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, के है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ नहीं, गेटिंग, फिक्स वैल्यू एक ही मिलेगी, कॉन्स्टेंट डब्ल्यू इक्वल टू के आ गया तो। ओके, सो यहाँ पे कुछ और ही आ गया, बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, गेटिंग, सो इसलिए भी यहाँ पे ये जो है ए डी माइनस बी सी को नॉट इक्वल टू जीरो लिया जाता है। सो ये आपको करने की ज़रूरत है नहीं, मैंने बताया, लेकिन मैंने एक दूसरा लॉजिक आपको बताया, गेटिंग, आपको एक सिंपल तरीके से याद रखना है, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब हम देखते हैं इनका जो है क्रॉस रेशियो क्या होता है, वो ये मोस्ट आईएमपी है, ज़्यादातर एग्जांपल मैंने बोला ना, 4 मार्क्स में एग्जांपल आता है तो इनके बेस पे ही आता है। अब ऐसा है ना कि क्रॉस रेशियो यूज़ करके ही हम कर सकते हैं, उसके अलावा भी दूसरी तरीके से भी हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ईजी रहेगा आपको। सो ये है क्रॉस रेशियो। अब क्रॉस रेशियो में क्या दिया हुआ है, देखो, द क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट लिए हैं, जेड वन, जेड टू, जेड थ्री एंड जेड फोर, जेड प्लेन के अंदर, राइट, 2 3 4 पॉइंट लिए है, और उसका जो मैपिंग करना है किस में, डब्ल्यू प्लेन में, तो इसमें यहाँ पे कोई भी जगह पे होगा, तो वो दिया हुआ है, देखो रेशियो 4 पॉइंट का ये दिया हुआ है, एंड इज डिनोटेड बाई ये ब्रैकेट में। चलो, तो हम यहाँ पे थियोरम स्टार्ट करते हैं, मेन इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है, अब बाई लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन
preserves the cross ratio of 4 point. That is, the cross ratio of 4 point is invariant under the bilinear transformation. अब ये आपको याद रखना है, बहुत इजी है एक्चुअली. यहाँ पे जो जेड पॉइंट लिए है वो कौन से लिए है, जेड जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री, और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो पॉइंट कौन से लिए है, डब्ल्यू डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू एंड डब्ल्यू थ्री, ये चार लिए है. तो उसके बेस पे से ये इक्वेशन लिखा है. अब ये इक्वेशन लिखना बहुत इजी है, दिखता बड़ा है लेकिन लिखना याद रखना इजी है. देखो एक ये यहाँ पे W के सफिक्स में कुछ नहीं है तो मैं उसको जीरो बोल देता हूँ, वन टू एंड थ्री. अब ये पूरा है ना साइकिल चलती है. देखो ये W माइनस W वन है इंटू W टू माइनस W थ्री है, तो एक साइकिल चल रही है. देखो आपको याद रखना है, तो ये W के सफिक्स में कुछ नहीं है मतलब जीरो, बाद में क्या है वन आया, बाद में टू देन थ्री. ओके अब क्या होगा, यहाँ पे भी ये यही है लेकिन जेड में लिखा है ना, तो वहाँ पे भी यही है कि भाई जीरो टू वन, वन के बाद क्या आएगा टू, टू के बाद क्या आएगा थ्री आएगा, और नीचे आप देखो तो क्या आएगा रिवर्स हो जाएगा साइकिल, जीरो थ्री यहाँ पे देखो. ओके देन क्या आ जाएगा टू माइनस वन. सो आपको ये इस तरह से थोड़ा बहुत आप याद रखो तो इजी रहेगा याद रखने में, भी सिर्फ आपको ये कम याद रखनी है. यहाँ पे सेम आएगा लेकिन W की जगह पे क्या लिख दे रहे हैं हमें जेड. ओके मतलब याद रखना है साइकिल जीरो वन टू थ्री, देखो यहाँ पे जीरो वन टू थ्री. ओके इस तरह से आएगा, और यहाँ पे याद रखना है तो जीरो थ्री टू वन, तो यहाँ से रिवर्स आएगी, जीरो के बाद वन नहीं आएगा, थ्री टू वन रिवर्स आएगी, राइट. तब कोई भी हिसाब से आप याद रख सकते हो. सो हमें पता है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है अभी, W इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइड बाई सी जेड प्लस डी. अब यहाँ पे क्या है, देखो लेट जेड जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री आर फोर पॉइंट इन जेड प्लेन विच आर मैप टू द पॉइंट डब्ल्यू डब्ल्यू वन डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री इन द डब्ल्यू प्लेन रिस्पेक्टिवली, राइट. जो मैंने बताया वो ये जेड प्लेन है, उसके चार पॉइंट है, उसको डब्ल्यू प्लेन में क्या करना है हमें ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब मैपिंग करनी है. तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास W का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम सभी पॉइंट के लिए लिखेंगे वन बाई वन. हमें तो ये जो है क्रॉस रेशियो वो हमें प्रूव करना है, तो क्या करेंगे W1 लिखेंगे. तो W1 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जेड है तो वहाँ पे जेड वन लिख देंगे तो वो W1 हो जाएगा. W2 लिखना है तो वो भी ऐसा हम लिख सकते हैं, गेटिंग. तो W1 लिखा यहाँ पे, यहाँ पे W1 और जेड को जेड वन लिख दिया तो आ गया W1. अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, W माइनस W1 चाहिए, तो ये W है माइनस W1 करेंगे हम, तो ये W रख दिया माइनस W1. अब सिंपल हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, क्या करेंगे पहले LCM ले लेंगे, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कि ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई होगा. तो ये अब थोड़ा सा कर देना, वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं थोड़ा स्पीडी आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, राइट. तो बहुत ईजी है, ये ब्रैकेट को ओपन करो और ये ब्रैकेट को ओपन करो, यहाँ पे जो भी ओपन करो तो ब्रैकेट में रखना क्योंकि आगे क्या है माइनस है. देन क्या करो, माइनस की साइन को ओपन कर दो, मतलब ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये टर्म मिलेगी. अब यहाँ पे देखना है कुछ ना कुछ कैंसिल होगा. देखो यहाँ पे ये जो है ए सी जेड जेड वन है, यहाँ पे क्या सी ए जेड जेड वन, दोनों सेम ही है तो वो कैंसिल हो जाएंगे. बाकी कुछ कैंसिल होता है तो वो आप देख लो, ये बी डी है प्लस और यहाँ पे डी बी लिखा है तो दोनों सेम ही हो गए. सो बाकी जो रही टर्म उसमें से कॉमन क्या निकलता है तो वो देखो, देखो ये टर्म मैंने ये सर्कल किया ए डी जेड एंड ये सी डी जेड, उसमें से जेड कॉमन निकलता है तो जेड को कॉमन निकालो, रिमेनिंग टर्म को यहाँ पे लिखा है. देन ये बी सी जेड वन एंड माइनस डी
इजेड वन में से जेड वन कॉमन निकालो तो ये रहेगा, डिनोमेटर तो नीचे जो है वो सेम ही रहेगा। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो दोनों को कॉमन निकालो तो बाकी क्या रहेगा, जेड माइनस जेड वन। तो ये का आ गया आंसर किसका आ गया, डब्लू माइनस डब्लू वन का। तो हमें अभी ये सभी का फाइंड करने की ज़रूरत है नहीं, इनका फाइंड किया तो डब्लू टू माइनस डब्लू थ्री हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। कैसे, कि जब यहाँ पे W माइनस डब्लू वन है तो यहाँ पे क्या आया, जेड माइनस जेड वन। तो ये W टू माइनस W थ्री है तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड टू माइनस जेड थ्री। ओके ये देखो है, और यहाँ पे क्या है, ये जेड है ना, तो जेड की जगह पे क्या आएगा, जेड टू आएगा। जेड वन की जगह पे क्या आएगा, जेड थ्री आएगा। बस इतना चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सिमिलरली हम W माइनस W3, W2 माइनस W1 भी हम लिख सकते हैं, गेटिंग। सो जहाँ पे Z चेंज कर देना है, सिंपल सी बात है। अब W माइनस W3 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, Z माइनस Z3 आ जाएगा। ओके यहाँ पे तो Z ही रहेगा, यहाँ पे Z1 की जगह पे क्या आ जाएगा, जेड थ्री आएगा। बस इतना चेंज होगा। सो ये W माइनस डब्लू वन हमने फाइंड किया, उसके बेस पे हमने लिखा W टू माइनस W थ्री। अब ये दोनों का क्या है, देखो मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोनों का क्या कर दिया यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन। ओके सिमिलरली हम लिख सकते हैं ये डिनोमीटर, W माइनस W थ्री इंटू W टू माइनस W वन, इस हिसाब से लिख सकते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है डिवाइड बाई ये टर्म करेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादातर कैंसल हो जाएगा। ओके देखो ये सी जेड प्लस डी जो है वो तो कैंसल ही हो जाएंगे, ये दोनों को डिवाइड करना है ना, तो क्या और कैंसल होता है वो आप देख लो। तो लेफ्ट पोर्शन आ जाएगा, ये दोनों को डिवाइड किया तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, हमें सी बी राइट साइड लाना है। तो देखो ये ए डी माइनस बी सी तो सभी में सेम ही रहेगा, तो ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा। ओके अब देखो ये सी जेड वन डी वन यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, बाकी क्या रहा, ओनली जो टर्म बाकी रही वो कौन सी बाकी रही है, जेड माइनस जेड वन यहाँ पे लिखा है इंटू जेड माइनस जेड थ्री टू जेड माइनस जेड थ्री एंड एंड में जेड टू माइनस जेड वन। तो हमारा आंसर आ गया, मतलब ये प्रूव हो गया कॉस रेशियो गेटिंग। तो आपको याद क्या रखना है मेन थिंग, ये चार पॉइंट है जेड जेड वन जेड टू जेड थ्री एंड डब्लू डब्लू वन डब्लू टू डब्लू थ्री के लिए जो क्रॉस रेशियो का इक्वेशन है ये आपको याद रखना है। तो इनके बेस पे जो एग्जांपल है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके और एग्जाम जी टी यू एंड मिड एग्ज़ाम के लिए इनके बेस पे जो एग्ज़ाम्पल है वो आई एम बी है। अब इनके बेस पे एक टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्ट में, क्या लिखा है फिक्स्ड और उसको बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट्स। तो उस किसको बोला जाता है कि हम शॉर्ट में आपको बताता हूँ, ये जेड प्लेन है मान लो, उसमें एक्स एंड वाई आता है और ये दूसरा क्या है डब्लू प्लेन है, उसमें क्या आता है यू एंड वी आता है। तो मैं एक यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट का नाम देता हूँ मैं वन कॉमा टू, और उसका हम मैपिंग करेंगे मतलब जेड प्लेन टू डब्लू प्लेन में। तो उसका जो मैपिंग है वो भी क्या आएगा, वन कॉमा टू ही आएगा। तो एक्चुअली हमने अभी तक देखा तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो जेड प्लेन में जो भी पॉइंट होता है वो कुछ चेंज होकर डब्लू प्लेन में मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फिक्स पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट में जो भी जेड प्लेन में जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लो, उसका हम क्या करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो डब्लू प्लेन में भी क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, गेटिंग। तो इनको बोलते हैं फिक्स या इनवेरिएंट पॉइंट, गेटिंग। सो यहाँ पे पूरा लिखा है फिक्स पॉइंट इज अ पॉइंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई विच मैप्स इनटू इटसेल्फ इन द डब्ल्यू प्लेन, दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू जेड। सो हमें पता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन ये पता है डब्ल्यू का,
तो हमें जेड लिखना है तो भी वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ से हम इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन आएगा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो इफ ये सी जो है कोफिशन वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा और उसके जो रूट है वो क्या हो जाएंगे, फिक्स पॉइंट ऑफ बाईलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या हो जाएगा, फिक्स पॉइंट हो जाएगा। तो एग्जांपल एक तो हम देखेंगे इसके बेस पे इतना ज़्यादा आईएमपी है नहीं है कि ये फिक्स पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना, बहुत इजी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इतना आईएमपी है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, गेटिंग। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये फिक्स पॉइंट, इनवेरियंट पॉइंट एंड जो क्रॉस रेशियो उसके बेस पे एग्जाम्पल देखेंगे।